नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नए वीडियो में। और आज मेरे पास में है समुराई का ये लिप जो कि लगाते हैं हम लोग बम्पर पे नीचे की तरफ में। आपने ज़्यादातर लगा देखा होगा नीचे ही, लेकिन मैं इसे नीचे लगाने वाला नहीं हूँ। मैं इसे लगाऊंगा अपनी गाड़ी के इंटीरियर में, क्योंकि बम्पर पे तो ज़्यादातर सभी लोग लगाते हैं, लेकिन हम कुछ स्पेशल करेंगे अपनी गाड़ी के लिए, तो मैं इसे इंटीरियर में लगाऊंगा। अब दोस्तों इंटीरियर की बात करें तो आप देख सकते हैं इंटीरियर की कितनी गंदी हालत हो रखी है मेरी गाड़ी की। पूरी गाड़ी भरी हुई है, उधर प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स रखे हैं IPH के, और ये देख सकते हैं आप पूरी गाड़ी। एक और भी है मेरे पास में, मैंने दो मंगवाए थे, ये एक फ्रंट बम्पर के लिए, एक रियर बम्पर के लिए। लेकिन मैं बम्पर के लिए कुछ और प्लान कर रहा हूँ, जो कि आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा बहुत जल्द। इसके अंदर भी समुराई का यही है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए अमेज़ॉन से मंगवाया था मैंने, ये देखिए। और इसे काफ़ी टाइम हो गया मंगवाए हुए मेरे को, लेकिन टाइम ना होने की वजह से कभी कभी मैं अपनी बहुत सारी एसेसरीज़ नहीं लगा पाता हूँ अपनी गाड़ी पे। आप भी मंगवा सकते हैं अमेज़ॉन से ये चीज़, इजीली आपको 300 से 400 रुपए की पड़ जाएगी। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अमेज़ॉन से मंगवाने के बजाय लोकल मार्केट से ख़रीदें, क्योंकि लोकल मार्केट में आपको और सस्ता मिलने की उम्मीद है। और गाड़ी का इंटीरियर भी देखो काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है, साफ़ करेंगे इसे भी। और ये देख सकते हैं आप, ये पहले क्रोम था, अभी मैंने इसे रेड करवा रखा है, करवा लिया है कुछ टाइम पहले। और कितना शानदार लग रहा है ये, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को कमेंट करके। और शानदार नहीं भी लग रहा तो भी, अगर बेइज्जती करनी है वो भी कर दीजिएगा। तो ये जो अपना स्पॉइलर, ये जो लगने वाला है समुराई का लिप, ये लगेगा दोस्तों यहाँ से ऐसे। आप देख सकते हैं ये जो उंगली है अंदर की तरफ जा रही है इतनी, तो ये मैं ऐसा लगाऊंगा यहाँ से यहाँ तक आर पार। और भाई सब्जी वालों में कॉम्पिटिशन हो रहा है कौन ज़्यादा तेज आवाज़ लगाए। तो दोस्तों इसे यहाँ पे लगाने के लिए मुझे सबसे पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। फर्स्टली मुझे आवश्यकता है प्राइमर की, ये 3M का प्राइमर है, मैंने इसे निकाल के रखा हुआ है इस बोतल में। और दूसरा मेरे पास में है थिनर इस बोतल में, इस सरफेस को अच्छे से क्लीन करने के लिए, क्योंकि इसमें जो 3M की टेप है, एक तो मैं काफ़ी टाइम पहले ये मंगवाया था मैंने, और दूसरा मुझे इतना इसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो इसलिए प्राइमर और थिनर अच्छे से क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ अच्छे से। दोस्तों अपना आपने देखा, मैंने इसे क्लीन कर लिया थिनर से अच्छे से। अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक बटन दे रखा है ग्लोव बॉक्स ओपन करने के लिए। देखिए ये, देखिए यहाँ पे ये बटन है, ये टियागो और टिगोर में आता है, नेक्सोन में भी आता है। बाकी मैंने इसकी कटिंग इस तरीके से कर ली है, ये देखिए आप अगर देख पा रहे हो तो, ये इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, इसका नाप ले लिया है प्रॉपरली। Oh,
तो दोस्तों अंततः आप देख सकते हैं अपना जो काम था वो डन हो गया है और काफी यूनिक लग रहा है ये आप देख सकें तो यहाँ से काफी यूनिक। कुछ मेरे भाई बंधुओं को हो सकता है ये थोड़ा सा ओवर लगे, बट आने वाले टाइम में मैं इसमें कुछ ना कुछ और मॉड करूंगा, क्योंकि मुझे भी उतना परफेक्ट ये नहीं लग रहा जितना परफेक्ट मैं चाहता था। तो इसके लिए आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ मॉड्स मैं इसमें ज़रूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। सेफ्टी को प्रायोरिटी दीजिए, सुरक्षित चलिए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए। जय हिंद, जय भारत।